हम जनता दल यू का मेंबर बनना हो तो भले बन गए, इससे मंत्री लोग आएंगे उनसे बात करिए। हम नहीं करते, हमारा काम है पार्टी का संगठन। हम जनता दल यू का मेंबर बनना हो तो भले बन गए, इससे मंत्री लोग आएंगे उनसे बात करिए। हम नहीं करते, हमारा काम है पार्टी का संगठन। दोस्तों आज एसटीईटी 2023 के कुछ अभ्यर्थी पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय गए थे और वहां ये अभ्यर्थी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के सामने अपनी बातों को रख रहे थे कि एसटीईटी 2023 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो गलत एडमिट कार्ड पे आ गया है, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा गलत भरा गया, कुछ सर्वर स्लो की वजह से गलत हो गया, तो उसमें सुधार के लिए आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए और बीएसईबी के चेयरमैन सर से बात कीजिए ताकि हम लोगों को न्याय मिल जाए। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी इतना सुनते ही पूरा बमक गए और अभ्यर्थियों को बोल रहे हैं कि जिन जिन को जदयू का मेंबरशिप लेना है, जदयू का मेंबर बनना है, वो रुकिए, बाकी लोग चले जाइए, मंत्री लोग से मिलिए। अब आप सोचिए कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बिहार के युवाओं के साथ इस तरह का शर्मनाक हरकत किया जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा करना, ऐसा कहना शोभा देता है? जदयू के ही नीतीश कुमार जी हैं और 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जदयू पार्टी अभी सरकार में है, जदयू पार्टी के नेता मुख्यमंत्री है बिहार के, और जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोलते हैं कि जिनको जदयू का मेंबर बनना है वो रुकिए, बाकी लोग चले जाइए, हम सिर्फ मेंबर बनाते हैं, हम ये सब चीज़ पे नहीं देखते हैं, ये सब चीज़ पे नहीं कुछ करेंगे। तो आप पार्टी किस लिए चला रहे हैं ललन सिंह जी? आप सिर्फ मेंबर बनाने के लिए जदयू पार्टी चला रहे हैं तो सरकार का है बनाए, आप सरकार भी नहीं बनाते, आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं तो पार्टी किस लिए होता है? ये तो समझ से पड़े, इस तरह का सामंतवादी सोच, ललन सिंह जी का सामंतवादी सोच उभर के आया है। ये बिहार के युवाओं के प्रति इनका जो सामंतवादी सोच है एकदम घटिया सोच है, एकदम घटिया व्यवहार किया है ललन सिंह जी ने आज। और युवाओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आप लोग के लिए नहीं सोचता है कोई। आप दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, आज इस नेता उस नेता के पास जा रहे हैं, कोई नेता आपका हेल्प नहीं करेगा। आप जाति धर्म से ऊपर उठकर खुद मजबूत होइए और देखिए, जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे ये पार्टी के नेता इसी तरह बयानबाजी करेंगे, इसी तरह आपको दुत्कारेंगे, फटकारेंगे, भगाएंगे ऑफिस से, कभी लाठी चार्ज करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे। इसलिए बिहार के युवाओं, बिहार के स्टूडेंट्स, आप सब जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होइए ताकि इन नेताओं को जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह का हरकत करते हैं, इन नेताओं को हम लोग दिखा सके कि युवा पावर क्या है, युवा शक्ति क्या है, छात्र शक्ति क्या है।